आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में हमें गिवन एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है जहाँ r इन रेडियस है कैपिटल r सर्कम रेडियस है r1 r2 r3 x रेडियस है ठीक है और abc जो है वो साइड लेंथ्स ऑफ ट्रायंगल है abc जो है दैट आर साइड लेंथ्स साइड लेंथ मतलब ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल के जितने भी साइड्स हैं उन वो हैं ए बी सी ठीक है अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता है वो क्या है कि एक तो हमें ये पता है कि आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री माइनस आर का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा अगर हम देखें तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर ठीक है प्लस आर स्क्वायर माइनस टू टाइम्स आर ऑफ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस अगर हम देखें योगा टू टाइम्स ऑफ आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन नंबर वन ठीक है ये हमें पता है अब हमें एक और रिजल्ट पता है कि वी नो दैट वी नो दैट आर वन प्लस आर टू प्लस आर माइनस आर ये किसके इक्वल होता है कैपिटल ऑफ फोर आर ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू एंड हमें ये भी पता है कि आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन ये होता है एस स्क्वेयर के इक्वल ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थ्री ठीक है अब हमें पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा बाई एस आर वन होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए आर टू होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी एंड आर थ्री होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी ठीक है तो अगर हम आर इन टू आर वन प्लस आर थ्री अगर हम ये देखते हैं तो ये कितना हो गया डेल्टा बाई एस अपॉन में डेल्टा अपॉन एस माइनस ए प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस बी प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस सी के इक्वल ठीक है तो अगर हम देखें डेल्टा स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो गया वन डेल्टा स्क्वायर बाई एस अगर हमने कॉमन लिया हो गया एस माइनस ए प्लस वन अपॉन एस माइनस बी प्लस वन अपॉन एस माइनस सी ठीक है तो कितना हो जाएगा डेल्टा स्क्वेर इंटू में एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी ठीक है और होल अपॉन में ये कितना हो गया कि अगर हम देखें एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के इक्वल ये आ गया हम अब हमें पता है कि बाय हेरॉन्स फॉर्मूला बाय हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डेल्टा ये कितना होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के इक्वल तो ये डेल्टा स्क्वायर और ये टर्म ही तो कैंसल आउट हो गए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि आर इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इसकी वैल्यू हमारे पास जो है ये हो गया एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी

प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल ठीक है ताँगे? अब अगर हम देखें हमें ये भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू ये होता है एस के इक्वल तो यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आर इंटू आर वन प्लस आर थ्री ये कितना हो गया थ्री एस स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी टू एस इंटू एस हो गया प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि आर इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ये हो जाएगा माइनस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल और इसे हम इक्वेशन नंबर फोर लेते हैं अब जब हम वन टू थ्री एंड फोर को यूज करेंगे ठीक है तो हमारे पास क्या हो गया कि पहले हमारे पास मेन क्या था आर वन प्लस आर टू ये हमारे वन में अगर हम सब कुछ सब्सटीट्यूट करें तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री माइनस आर फोर आर के इक्वल है तो कितना हो जाएगा अगर हम यहाँ देखेंगे फोर आर का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा अब ये तो हम इस टर्म को एज इट इज रहने देते हैं तो कितना हो गया आर वन स्क्वायेर प्लस आर टू स्क्वायेर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है अब वहाँ पे क्या था माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ ये वाला टर्म तो हो जाएगा माइनस टू टाइम्स ऑफ माइनस एस स्क्वा प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ठीक है एंड देन था हमारे पास ये वाला टर्म तो ये प्लस टू एस स्क्वायेर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको यहाँ पे प्लस टू एस स्क्वायेर ठीक है तो ये कितना हो जाएगा अगर हम देखें आर सिक्सटीन टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर ये हो गया आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे आर स्क्वायर आर टू स्क्वायेर नहीं ठीक है अब ये प्लस टू एस स्क्वायर प्लस टू एस स्क्वायर तो ये हो गया प्लस फोर एस स्क्वायेर माइनस में टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए के इक्वल ठीक है तो ये कितना होगा सिक्सटीन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्र प्लस आर थ्री स्क्र प्लस आर स्क्वेयर प्लस ऑफ अब इससे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का बाई टू का होल स्क् माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस ऑफ टू सी ए कितना हो जाएगा आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू अगर हम देखें प्लस आर थ्री स्क्वेयर प्लस आर ये हो जाएगा सिक्सटीन आर स्क्र माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी यहाँ पे फोर है क्योंकि टू का स्क्वायर फोर होता है और माइनस के सारे टर्म्स देखे तो प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी एंड अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस टू सी ए के इक्वल तो ये फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया ये तीनों टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव में तो हमारे पास क्या आ गया कि आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री प्लस आर स्क्वायर हो गया सिक्स बी आंसर क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर